किन्हीं कारणों से आईटीआई में प्रवेश न पाने वाले युवाओं को हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम अन्य शॉर्ट टर्म कोर्स यानी कम अवधि वाले प्रशिक्षण कोर्स करने का अवसर प्रदान करने जा रहा है। हमीरपुर जिला के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रैल में भी ये शॉर्ट टर्म कोर्स आरंभ किए जा रहे हैं। इनके लिए 28 फरवरी तक आवेदन किया जा सकता है। कौशल विकास निगम और आईटीआई प्रबंधन द्वारा संयुक्त रूप से करवाए जा रहे इन कोर्सों के माध्यम से युवा कौशल विकसित करके अपना कारोबार आरंभ कर सकते हैं। उक्त प्रशिक्षण कोर्सों के बारे में विभिन्न ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जानकारी मुहैया करवाने के लिए आईटीआई रैल में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कौशल विकास निगम के जिला समन्वयक राजेश कुमार ने बताया कि इस तरह के कोर्स युवाओं को निजी क्षेत्र में अच्छा रोजगार दिला सकते हैं। प्रशिक्षण के बाद वे अपना कारोबार भी आरंभ कर सकते हैं। इस अवसर पर प्रधानाचार्य रणवीर सिंह परमार ने कहा कि आईटीआई में प्रवेश से वंचित युवाओं के कौशल विकास और उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने में शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों के युवाओं को इन कोर्सों के प्रति जागरूक करें। इस मौके पर कौशल विकास निगम के जिला प्रशिक्षण समन्वयक अश्विनी शर्मा ने भी जनप्रतिनिधियों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। शिविर में ग्राम पंचायत जोलचप्पड़, रंगस, बूणी, नोहंगी, दंगरी, लाहड़, कोटलू, भूमपल, जलाड़ी, मण, बड़ा, फस्ते, चोड़ू, जीहन, बलडूक, रैल, सपड़ो, पुतडियाल और बर्दियाड़ के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया।